राखी के बंधन को निभाना। आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के लिए आपको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। जितने भी भाई है, बहने हैं, और जिनकी भी बहनों के भाई बाहर है, कईयों के भाई तो जैसे आर्मी वगैरह चले जाते हैं ना बाहर, तो कोई काम से चले जाते हैं, कई दूर होते हैं जो मिल नहीं पाते हैं, मैं उनकी तकलीफ समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी 2-3 साल अपने भाई मेरे भाई से मिल नहीं पाती थी, कुछ ऐसा रीजन था, तो वहाँ पे पता होता था, क्योंकि राखी सिर्फ मैं भेज सकती थी, क्योंकि वो आना बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहन फील, क्योंकि मुझे पता है, अब इनको ही पता है कि उनकी बहन पटना रहते हैं, तो राखी हर साल आती है, तो ये बांध नहीं पाती है, जो भाई भाई को जो बहन बांधती है ना, वो जो फीलिंग, और भिजवा के आप किसी से बंधवाना, तो वो अलग फीलिंग होती है। तो और उन लोगों के लिए भी जिनकी बहने नहीं है, तो आसपास के लोग से बनवा लीजिए, बहने ढूंढ लीजिए, क्योंकि ऐसा ही होता था जब हमारे तरफ भी जिनकी बहन नहीं होती थी, तो आसपास के जो मतलब आपके रिश्तेदार वगैरह में जो सिस्टर्स वगैरह होती हैं, तो उनसे आप राखी बनवाते हैं, अभी इसके साथ भी करता है। बट ये भी है, कई को तो हम फोर्स नहीं कर सकते ना, कई बांधते भी नहीं है। मैंने कल ही एक हमारे ऑफिस में सुना, उनके चार भाई में से 2 बहन थे जिनकी खत्म हो गई, तो वो 2 बहन के बाद उनकी चाचा था उनकी बेटियां थी, बोले कि स्टार्टिंग में 1 साल बांधा था उन्होंने, जब उनकी बहन खत्म हो गई, उसके बाद अपने चाचा माताओं के बच्चे आके राखी नहीं बांधते, तो उनको लगता है कि भाई उनको अगर मन नहीं है तो हम जबरदस्ती खुल गए, तो उनकी मम्मी नहीं खुद रहने, तो कोई नहीं बांध रहा, तो तुम्हें क्या जरूरत है। कोई ऐसा भी होता है, देखो रिश्ता एक होता ना फॉर्मेलिटी निभाने के, चलो भाई वो सही नहीं होता, अगर तुम निभा रहे हो तो सच्चे मन से निभाओ, वो मेरा तो वो कहना है, नहीं भाई आज चलो राखी बांधने वाले हो गए भाई मान लिया, फिर कल नहीं, क्योंकि रिश्ता होता है ना बहुत पतली धागा की तरह होता है, जो एक बार टूट जाता है ना, फिर आप जोड़ोगे तो गांठ पड़ जाता है, वो विश्वास दोबारा जुड़ नहीं पाता है, तो इसलिए बोलते हैं जब आप किसी को भाई मान रहे हो या आप किसी को बहन मान रहे हो, तो दिल से करें, दिल से वो वचन निभाएं, जो भाई का फर्ज होता है, और दिल से वो बहन का जो फर्ज होता है वो निभाएं, बस ज्यादा भाषण नहीं दूंगी, तो हम दोनों की तरफ से आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। बोला अभी सुबह में बना रही है, क्या आपके बच्चे भी भाई लोग आए हुए हैं, कॉफी में गुड़ हम आजकल पी रहे हैं, हम इधर कुछ ना कुछ ट्रेंड चेंज करते रहते हैं, आप लोग भी सोच रहे होंगे ये कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, हाँ हम लोग चेंज करते रहते हैं, शुगर तो हम यूज करते ही नहीं है, बहुत ही कम रेयर यूज करते हैं शुगर, महीने में एक आध बार पी ली शुगर खा लिया, शुगर हम नहीं खाते, आज मिठाई तो खाना होगा, क्योंकि आज रक्षा बंधन है तो मिठाई खाना ही होगा, मिठाई में शुगर होता है, कोई बात नहीं खाते शुगर खा लेंगे, बट शुगर हम नहीं खाते, शॉर्ट वीडियो ऐसे हम बनाते रहते हैं, आप लोग देखते हैं हमारा शॉर्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, आप लोग देखते हैं क्या देखते हैं, बट एक वीक में एक ही ब्लॉग हम डाला करेंगे, जिस दिन बाहर जाएंगे, क्या बोला, हाँ आप लोग पसंद करने लगेंगे, आप लोग बोलने लगेंगे कि हाँ आप डेली ब्लॉग डाला करो, डेली ब्लॉग डाला करेंगे, जैसे आप बोलेंगे आपको हमने सोचा है कि एक ब्लॉग वीक में एक ब्लॉग हम डाला करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर।
हे गाइस, नहाना धोना हो गया। अब बोला यहाँ पे पूजा कर रही है, ये देखिए राखी के लिए। और क्या कर रहे हो? बस अभी राखी पूजा कर। सूरज ने भी नहा धोवा के तैयार हो गए हैं और बस अब वेट कर रहे हैं जल्दी जल्दी राखी बन जाए, उसके बाद हम अपने अपने स्थान पे निकले, अपने अपने ऑफिस अपने अपने। तो अभी देखिए बस पूजा हो रहा है। मैं तैयार हो गई हूँ राखी बांधने के लिए, दोनों भाई बैठ गए हैं और मैंने राखी लिया है बड़ी क्यूट क्यूट। और आप सोच रहे होंगे तीन राखी किस लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगे थे तो मैं ले लिया मैंने राखी। और ये तीन राखी इसलिए क्योंकि जो मेरी ननद ने पैसे भेजे थे गोलू के लिए, तो उनके पैसे से मैंने ये राखी ले लिया। तो तीनों का अलग अलग शेड है पर पैटर्न सेम है। चलिए राखी बांधना शुरू करते हैं। सब सीरियस दोनों बैठे हुए देखना वो नीचे हुआ है। मेरे से पतले कलाई है इसके, इतना खाता है पता नहीं कहाँ जाता है। सबकी बात देखो दीवानी हो गया। देखो एक बार और, एक बार और। हाँ ये देखो खुश रहो, बहुत ही आगे बढ़ो, हमेशा अच्छा अच्छा सोचो। Hey guys, हम लोग आ गए ऑफिस से और देखिए मैंने क्या लेके बैठा है। मुझे अगर कोई बाहर का मिठाई ज्यादा पसंद है तो बस ये ब्लैक वाला गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तो ये जो बच गया था अब ये सारा मैं खाने जा रही थी। ये तीन बच गए, दो तो मैंने पहले ख़त्म कर ली, अब ये तीन बचे तो इसको क्यों रखना है, खा लेते हैं। और मैं पिस्ता बर्फी भी लाई थी, वो रखा हुआ है, वो तो कभी कभी खा लेंगे, वो ख़राब नहीं होगा, पर इसको रखना नहीं चाहती थी, इसको मैं खा लेती हूँ। तो आज का त्यौहार बहुत अच्छा रहा, जो फेस्टिवल अब शुरू हो गए हैं धीरे धीरे, फेस्टिवल अब फेस्टिवल का सीजन चलता ही रहेगा। तो घर में पूजा पाठ भी चलते रहेगी, रिश्तेदार भी आते रहेंगे जाते रहेंगे, अभी का ये टाइम ही है ऐसा टाइम, भले लोग कितने भी बिजी हो जाएं, पर ये टाइम होता है कि लोग अपने को ज़्यादा याद करते हैं एक फेस्टिवल में। जैसे आप दिवाली आ रही है, दशहरे आ रहे हैं, अरे मुझे तो बहुत पसंद है दशहरा। Hey guys,
तो अभी हमने खाना वाना खा लिया ऑफिस आने के बाद। धनकोला ने खाना बनाया, छोले वोले सुबह के पड़े हुए थे और चावल वावल बनाया और सब्जी वब्जी पड़े हुए थे। खाना वाना खा लिया हमने। खाना वाना खाने के बाद अब जा रहे हैं हम सोने के लिए। रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा रहा। ये रहा मेरा राखी, ये रही मेरी राखी, ये बोला कि राखी मेरे भाई वाले। आप लोग का रक्षाबंधन कैसा रहा जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। और बस अब आपसे टाइम हो गया विदा लेने के लिए। आज का छोटा सा एक ब्लॉग हमने बनाया था राखी बंधन के ऊपर, रक्षाबंधन के ऊपर, कि भाई बहन हम सब फैमिली का। आपको अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा आपको भी कैसा लगा। और बस हमारा कहना यही है अपने बहनों से प्यार हमेशा बना के रखिए हमेशा, क्योंकि बहन कुछ दिन के लिए होती है, जब वो चली जाती है तो बहुत ही दुख होता है। कि हम लोग भी बहुत लड़ाई करते थे अपने भाई बहन के साथ, भाई के साथ वो कलछी वगैरह लेके पूरा मारा पीटा करते थे। अब वो चीज़ें याद करते जब कभी कभी यहाँ पे जब वो आते हैं तो हम लोग कल रात भर खूब बातें की, तो हमने ये चीज़ें बाल ये सब चीज़ें रिमाइंडर होती हैं, तो बहुत हंसी आती है कि हमने बचपन कैसे किया। वही होता है प्यार एक। तो अपने भाई बहन से प्यार कीजिए, माँ बाप से प्यार कीजिए, उनको टाइम दीजिए हाँ उनको टाइम दीजिए और हमेशा खुश रहिए। एक खुश रहने पर, एक पॉजिटिविटी रहने पर दिमाग में एक अच्छा भगवान की वास होती है, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है। ठीक है, जब हमेशा जब आप दुख रहेंगे तो आप सोचिए आपके दिमाग में दुखी वाली इन्फॉर्मेशन जाएगी, और हमेशा खुश रहेंगे। हाँ। आप खुश हो के देखिए, अभी अगर आप दुखी हैं अभी खुश होकर थोड़ा इस मुंह पे स्माइल लाइए, चेहरे पे स्माइल लाइए और उसके बाद देखिए आपके दिमाग में कैसा काम करे। तो खुशी वाली हम खुश हैं तो माँ बाप भी बहुत खुश, क्योंकि वो हमको देख के खुश, अगर हम दुखी रहते तो वो भी दुख रहते हैं क्या हो गया मेरे बच्चे को, क्या हो गया, वो टेंशन में रहते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहिए और जितना हो सके उतना टाइम दीजिए अपनी फैमिली को, खासकर अपनी मम्मी और पापा को। बस आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं, बाय बाय। ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे हमेशा, बस आप प्यार हमें बरसाते रहिए, हम अपना प्यार बरसाते रहेंगे आपको। बाय बाय, चलिए।